कश्मीर मुद्दे पर भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान किस कदर बेचैन है ये जग जाहिर है। कभी वो चीन का दरवाजा खटखटाता है तो कभी यूएनएससी से मामले में दखल देने की अपील करता है, लेकिन भारत उसकी हर कोशिश पर आसानी से पानी फेर देता है। तो वहीं अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है। कभी वो इसे द्विपक्षीय मामला कहता है तो कभी मध्यस्थता करने का राग अलापता है, और अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका का दौरा किया, जहां इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हामी भरते हुए एक बयान दे डाला। उस बयान से भारत के सियासी गलियारों में घमासान मच गया, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुद्दे पर फौरन सरकार का पक्ष रखते हुए कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताकर तीसरे पक्ष की दखलंदाजी पर विरोध जताया। लेकिन बावजूद इसके अमेरिकी राष्ट्रपति हैं कि कश्मीर मामले में दखलंदाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इधर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जाहिर हो रही है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता की पेशकश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष जल्द से जल्द ये मुद्दा उठाएंगे। अमेरिका ने पीएम नरेंद्र मोदी से कश्मीर में तनाव कम करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, कश्मीर बेहद जटिल जगह है, यहाँ हिंदू हैं और मुसलमान भी हैं, और मैं नहीं कहूँगा कि उनके बीच काफी मेलजोल है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के लिए जो भी बेहतर हो सकेगा मैं वो करूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं मध्यस्थता या दूसरे तरीकों से कुछ करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोनों देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन दोनों इस वक्त आपस में दोस्त नहीं है। आपको बता दें कि ट्रंप ने ये बयान देने से पहले पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत भी की थी, जहां ट्रंप ने इमरान को कश्मीर पर भारत के खिलाफ बयानबाजी में एहतियात बरतने को कहा था, वहीं भारत से इस द्विपक्षीय मसले को शांति से सुलझाने के लिए कहा था। लेकिन अब अचानक ट्रंप की तरफ से फिर से मध्यस्थता की पेशकश करना सवाल खड़े करता है कि आखिर अमेरिका कश्मीर को भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामला बताने के बाद भी क्यों इसमें मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है। अब भारत की तरफ से ट्रंप के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।